केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे बीना, जहां बीना रिफाइनरी द्वारा बनाया गया 1000 बिस्तरों वाला कोविड हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, अस्पताल 25 जून को बनकर तैयार होना था, लेकिन समय पर तैयार नहीं होने के कारण आज 12 जून को 200 बिस्तरों वाला और कंपाउंड बनाकर तैयार किया गया, जिसका उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज बीना में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ किया जा रहा है। वहीं हवा और आंधी तूफान से हॉस्पिटल क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके चलते सागर जिले के मीडिया को इस कार्यक्रम से वर्जित किया गया और नो एंट्री कर दी गई, जिससे सागर जिले के मीडिया में काफी रोष देखने को मिला। आज बहुप्रतीक्षित कोविड अस्पताल का शुभारंभ हो रहा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वह भी बिना मीडिया के। मुख्यमंत्री पिछले 16 साल से, ये शायद पहला ऐसा अनुभव है जहां एक अस्पताल ऑक्सीजन से भरपूर 24 घंटे सप्लाई होना है ऑक्सीजन की, एक लोगों को सांसें मिलना है, उस अस्पताल के शुभारंभ में आए हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आए हैं, लेकिन मीडिया पर टोटल रोक लगा दी है, नो एंट्री कर दी, प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इसके पीछे जो छुपा है स्थानीय सागर जिला प्रशासन ने जो इसमें गड़बड़ी करी है। 65 करोड़ से बनने वाली अस्पताल बनते ही बनते ही उखड़ने लगी है, चद्दर उड़ गए हैं, खंभे टूट गए हैं, अंदर पूरी तरह से पानी भर गया है। वो तो अच्छा है कि महामारी का रूप रौद्र रूप देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसे में अगर मरीज भर्ती होते कोरोना के तो ये चद्दर उड़ने पानी भरने से असमय काल के गाल में चला जाते। ये पता नहीं कौन सी चीज़ को छुपाना चाहते हैं, मीडिया को कोरोना के नियमों का गाइडलाइन का बहाना बनाकर अंदर जाने से रोका जा रहा है।